तो गाइस अभी जा ही रहे थे विंध्याचल, तो साला रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। किस्मत आपसे बताते हैं जैसा भी होता है। सब लोग थे, पूरा परिवार था साथ में, लेकिन सब लोग ठीक ठाक हैं। अमन और मम्मी वो बैठे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी मैं दूध जो आया था आज भाई, वो दूध गिर गया। यहाँ से दूध लेते हैं ना बगल से, तो दूध गिर गया है, तो अभी जा रहा हूँ दूध लाने। तो अभी चलते हैं दूध लेके, फिर आते हैं। और आज चलना है हॉस्पिटल भी, क्योंकि मुझे चेकअप करानी है अपनी, वो जॉइंटिस का और उसका पथरी का। तो आज चलते हैं चेकअप कराते हैं, पहले चल के दूध लेके आते हैं, नहाते धुलते हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल, मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। गाइस इनको बिना खिलाए पिलाए मैं कहीं जा नहीं सकता। तो गाइस दूध दूध ले लिए हैं, अब चल रहे हैं घर। चलते हैं नहाते धुलते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए, वहाँ अस्पताल के लिए। तो अभी चलते हैं, तुरंत निकलते हैं फिर नहा धुल के। तो गाइस चाय पानी हो गया, नहा धुल लिए हैं और अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। अब हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ नहीं था, जो गॉल ब्लैडर में पथरी थी मेरी, तो उसका ऑपरेशन हुआ नहीं है अभी। तो क्योंकि जॉइंटिस हो गया था, जिस वजह से सब डॉक्टर ने बोला था जब तक जॉइंटिस नॉर्मल नहीं होगी तब तक होगा नहीं। तो अब जॉइंटिस नॉर्मल हो गई है, तो अब चलते हैं देखते हैं, दोबारा चेकअप कराते हैं, के बाद देखते हैं जैसा होता है क्या आता है चेकअप में, तो फिर उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो अभी चल रहे हैं यहीं अपने मुंशीगंज हॉस्पिटल, संजय गांधी मुंशीगंज में है, तो चलते हैं वहाँ और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए आप, संजय गांधी अस्पताल। पहले पर्ची कटा लेते हैं अंदर पार्किंग में, पार्किंग में खड़ी करके फिर चलेंगे अंदर। तो मिलते हैं आपसे सीधा अंदर। अब तो गाइस गाड़ी पार्क कर दी, अब चल रहे हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं चलते हैं अंदर। तो चलते हैं मिलके डॉक्टर से, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगी हुई है, मुझे इनसे मिलना है, मोहम्मद रजा। तो चलते हैं मिलके, फिर आपसे मिलते हैं। रविंद्र प्रताप सिंह। तो भाई अभी पर्चा बनवाते हैं, उसके बाद चलते हैं दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है पूरी। हाँ गाइस यहाँ दिखा दिया हूँ, अब मंडे को अल्ट्रासाउंड करा दूंगा, उसके बाद ही देखेंगे। तो अब चलते हैं घर, यहाँ का काम हो गया है। तो गाइस अब चल रहे हैं यहाँ से घर, और अभी बोले हैं सर मतलब मंडे को दिखाने के लिए, तो मंडे को अब दिखाएंगे, जैसा होगा देखते हैं। मंडे को पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद 2-3 और चेकअप लिखे उसको सबको करा के, फिर इनको मंडे को सर को दिखाएंगे, क्योंकि कल संडे है, कल बैठते नहीं वो। तो अब मंडे को दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे जैसा होगा। तो अभी चलते हैं घर, अभी देखते हैं कहीं और का प्लान बना है कि नहीं बना है, तो चलते हैं घर देखते हैं जैसा होता है। तो गाइस हम लोग आ गए थे घर और खाना पीना हो गया सबका। तो अभी प्लान मैं बता रहा था ना, कहीं चलने का प्लान बन रहा है, तो अब निकल रहे हैं हम लोग बनारस यहाँ से घर से। तो अब चलते हैं बनारस, और आज अभी पहुंचेंगे, मतलब 4-5 घंटे लगेगा यहाँ से, 200-300 किलोमीटर है समथिंग यहाँ से। तो अभी चलेंगे, तो 7:30-8 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो आज की तो वहाँ शाम की आरती वारती आपको दिखा नहीं पाऊंगा, कल रात में जहाँ भी चलेंगे आपको दिखा देंगे, आपको घुमा देंगे बनारस थोड़ा बहुत। और क्या कहते हैं सुबह, कल सुबह आप बनारस का ब्लॉग देखेंगे। तो चलते हैं बनारस, मिलते हैं आपसे बनारस में। कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप जरूर देखिएगा। तो अब चलते हैं बनारस, फिर मिलते हैं आपसे। बस सब लोग तैयार हो रहे हैं, सब लोग भैया सब लोग हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं, बस अब निकलते हैं तुरंत यहाँ से। तो चलते हैं मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी घंटाघर प्रतापगढ़ चौक पे। हाँ
चले जाओ, बढ़िया है। तो चलते हैं अब यहाँ से, पकड़ते हैं इलाहाबाद वाला रूट और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रतापगढ़ मतलब से आगे आ गए हैं थोड़ा, गोपिया बहुत चौराहा है शायद ये। और ये जो आप ब्रिज देख सकते हैं ये ऊपर, ये जो रास्ता बना हुआ है, अब यहीं से हमें पकड़ना है बनारस के लिए हाईवे। ये आप देखिए ये जो हाईवे दिख रहा है ये सीधा अब बनारस के लिए 144 किलोमीटर यहाँ से बनारस पड़ता है। तो आइए अब चलते हैं यहाँ से, पहले कुछ ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ और कुछ मिलेगा नहीं आगे। तो आइए चलते हैं कुछ लेके उसके बाद। तो गाइस आपको आइए एक फेमस समोसे की दुकान दिखाते हैं, ये यहाँ भोपिया मऊ चौराहे पे है। ये आप देखिए समोसा ले लिए हम लोग, और ये आप देख सकते कितनी भीड़ लगी है पूरा। अवध स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट भोपिया मऊ चौराहा, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत फेमस दुकान है समोसे के लिए। तो आइएगा तो आप इधर से तो एक बार खा के जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग, गाइस अब चलते हैं, निकलते हैं सीधा यहाँ से बनारस के लिए। और यहाँ से अभी 144 किलोमीटर है, कितने घंटे दिखा रहा भैया अभी? समथिंग 3-4 घंटे लग जाएंगे, 3 या 1.5-2 घंटे तो मान ही चलिए। तो चलते हैं देखते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा अब बनारस में। फिर निकलते हैं, ये रास्ता सीधा जाएगा, तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वहीं। गाइस अभी जा ही रहे थे विंध्याचल, तो साला रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, किस्मत ख़राब है यार। लेकिन एक तरफ से किस्मत हम लोग की बहुत सही है कि सब लोग सेफ हैं। भैया इसी साइड बैठे थे जिस साइड से इम्पैक्ट आया है, या यहाँ डाइवर्जन था ना क्या कहते हैं रोड का, तो उसी वजह से ये जब इधर मोड़ा हम लोग ने इंडिकेटर दे के इस साइड मोड़ा, तो तभी तक इसने इधर वाला पार्ट, ये पार्ट हमारे पीछे साइड में लगा दिया, और लग के मेरी गाड़ी पूरी घूम के आगे आ गई पूरा। ये तो ये ब्रेक भी नहीं मार रहा था, ये तो ब्रेक लग ही गई, तो अब ये भाग गया है उतर के। तो अब देखते हैं, तो भाई देखते हैं क्या करते हैं अब आगे। अब देखते हैं कैसा होता है, जो होता है आपसे बताएंगे। हालांकि किस्मत ही खराब है एकदम, क्या करें यार। अच्छा खासा जा रहे थे दर्शन करने, लेकिन हो गया बीच में, लेकिन ये कहो सब लोग ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसका, अब देखते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बताते हैं जैसा भी होता है। सब लोग थे, पूरा परिवार था साथ में, लेकिन सब लोग ठीक ठाक हैं, अमन और मम्मी वो बैठे हैं। और इधर ये क्या कहते हैं, पूरी गाड़ी देख सकते, पूरा इम्पैक्ट आ गया पूरी, और उधर अमन मम्मी बैठे। तो देखते हैं जैसा होता है, बताते हैं आपसे। तो गाइस अभी आए हुए हम लोग यहाँ, मतलब अब वो हो गया है ना एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको अब यहाँ रिपोर्ट देख देते हैं, एप्लीकेशन एक लिख के, उसके बाद देखते आगे की क्या होता है। पापा भी दे रहे हैं एप्लीकेशन लिख के, तो देखते हैं जैसा होता है, फिर आगे बताते हैं आपको। अब यहाँ से आगे चलेंगे या घर वापस चलेंगे, देखते हैं जैसा होता है आपको बताते हैं। गाइस अभी टाइम आप देख सकते हैं,
11:30 बज रहे हैं, तो अभी देख सकते गाड़ी यहीं खड़ी है और यहाँ भी हम लोग ने होटल लिया है और 11:30 हो गए हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया तो अब चलते होटल ले लिए हैं, अब रुकते हैं। होटल ही नहीं मिल रहा था भाई, इसी में इसके काम में ज़्यादा टाइम लग गया था, अब होटल मिल गया, चलते हैं भाई, अब कुछ देर आराम करते हैं। आज की वीडियो भी नहीं पढ़ पाई होगी क्योंकि एडिट ही नहीं हुई थी, तो पड़ेगी कहाँ से, तो अपलोड भी नहीं हुई, तो अब देखते हैं, चलते हैं, यहाँ पहले चेक इन करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस रूम मिल चुका है हम लोग को और अभी खाने के लिए ऑनलाइन मंगा लेंगे, तो देखते हैं जैसा होता है, आइए आपको रूम दिखाते हैं। और दो फ्लोर ऊपर मिला है भाई, ये देख सकते हैं आप, नीचे ये सेकंड फ्लोर पे है, ये देखिए आप रूम, ये है वॉशरूम, जी भाई अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, पूरा एक्सीडेंट ने पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो गाइस रूम में आ गए थे हम लोग और ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर होना बंद हो गया है क्योंकि एक बज रहे हैं, अब यही सब खा के फिर सोते हैं, ये सब खुला है, मम्मी सब ले कर चली थी घर से, तो खाते हैं यही और फिर सोते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह बनारस के ब्लॉक के साथ, सुबह आपको दर्शन कराएंगे बाबा विश्वनाथ के। तो बस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय।